अपने हाथों से बनाई? मैं अपने हाथों से बना के खिलाई। तो कोशिश यही करें कि आप एक अच्छे टैलेंट को आगे लेकर आए, ना कि गलत फेम के लिए आप अपने कपड़े उतार दें, आप इस तरह की गलत कोई एक्टिविटी करें। कोई पसंद हो टिकटॉक? टिकटॉक पे पसंद क्या बताना है? नहीं, पसंद नहीं है, क्रश है मेरा। क्रश तो बता दें। क्रश मेरा वासिक है। पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट और मैं हूं फरहान जफर। रहमा शेख इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टिकटॉक पर, एज ए शेफ फेमस हैं ये और हैं भी प्रोफेशनल शेफ। इनके रेस्टोरेंट पे इस वक्त हम मौजूद हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा रन कर रही है अपना रेस्टोरेंट। इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे, टिकटॉक के हवाले से भी बात करेंगे और इनकी जो अपनी जर्नी है उस हवाले से भी बात करेंगे। इनकी स्टोरी मोटिवेशनल स्टोरी है जो कि हम शेयर कर रहे हैं तमाम देखने वाली लड़कियों के लिए कि किस तरह कारोबार किया जा सकता है, जो लोग जो लड़कियाँ ख़ास तौर पर करना चाहती हैं, या किस तरह जो है वो इस कारोबार को बिल्ड किया जा सकता है, किस तरह हम छोटी अर्निंग से जो है वो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रहमा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कब सोच लिया कि रेस्टोरेंट बनाना है और उसको माशाल्लाह बड़ा अच्छा लेके चल रही हैं आप? एक अकेली लड़की के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है ये चीज़, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? मुश्किल था पहले, मैंने बड़ा मेहनत की, काम किया, जगह जगह जॉब्स की, बहुत जगह से मुझे मतलब मैं मेहनत कर रही थी, लोगों ने डिसहार्ट किया, बहुत जगह मुझे ना मुश्किलें आईं, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो आज मैं एक अपना रेस्टोरेंट रन कर रही हूँ और बहुत कोशिश कर रही हूँ कि इसको आगे से आगे लेके चलूँ। तो मतलब ज़रूर आएँ आप मेरे रेस्टोरेंट, जब भी आएंगे आपको मैं एक अच्छा पिज़्ज़ा बना के ज़रूर ट्राई कराऊँगी। लोग मेरे से जो है ना बहुत शौक़ से कहते हैं कि हमें रहमा शेख का हाथ का कुछ खाना है, तो आप मेरे रेस्टोरेंट ज़रूर आएँ, आपको मैं ज़रूर ट्राई कराऊँगी। अभी खुद अपने हाथों से बनाएंगे? मैं अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी। आप रहमा ये बताइएगा कि रेस्टोरेंट का नाम क्या है? फ्राईवे पे हम बैठे हुए हैं, ये किस जगह पे है? थोड़ा सा गाइड कर दें जो लोग आपको देख रहे हैं, आना चाहते हैं किधर आ जाएं? फ्राईवे पे है ये, फ्राईवे गार्डन टाउन में है। तो आप जब भी मैप पे लोकेशन लगाएंगे आपको फौरन मिल जाएगी, आप इजीली आ सकते हैं। रहमा, टिकटॉक का ज़माना है, हर बंदा फेमस होना चाहता है, बताएं क्या कहेंगी टिकटॉक एज अ स्टार? क्या समझती हैं आप? लोग अच्छा जानते हैं, बुरा जानते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव व्यूज़ भी करने लग गए, हमने पिछले हालिया दिनों में भी कुछ बहुत सारे वाक़यात ऐसे देखे हैं, क्या देखती हैं इसका पॉजिटिव इस्तेमाल कैसे हो सकता है? हम तो कोशिश यही कर रहे थे कि हम अपना टैलेंट आगे लेकर आएँ, जो हम लेकर भी आए हैं, हम कुकिंग कर रहे हैं और उसको ही आगे मैं प्रमोट कर रही हूँ। मैं कोई ऐसी, हालांकि मैं फ़िटनेस ट्रेनर भी हूँ, मेकअप आर्टिस्ट भी, लेकिन ज़्यादा अपने खाने को इसलिए लेकर आई कि ये चीज़ें जो है ना आप एक लड़की के लिए एक अच्छी जो है ना समझी जाती है कि आप एक अपने एक अच्छे टैलेंट को आगे लेके आ रहे हैं। तो कोशिश यही करें कि आप एक अच्छे टैलेंट को आगे लेके आएँ, ना कि गलत फेम के लिए आप अपने कपड़े उतार दें, आप इस तरह की गलत कोई एक्टिविटी करें जिससे आपको फेम तो मिल जाए लेकिन इज्जत ना मिले। तो आज मेरी यही है कि मैं जितना काम करी बेशक थोड़ा कर लूँ, थोड़े मुझे फॉलोअर्स मिल जाए लेकिन अच्छे मिलें जो मुझे अच्छी तरह जाने। मैं ये बताइएगा कि टिकटॉक के बारे में मशहूर है कि इस पर जो भी आता है वो वल्गैरिटी दिखाता है और कुछ ऐसे वाक़यात मौजूद भी हैं, जो लोग पॉजिटिव काम करना भी चाहते हैं ना वो बेचारे दब जाते हैं। तो बताइएगा कि आयशा अकरम का केस हालिया दिनों में हमने देखा है बड़ा, ये क्या ज़रूरत आती है लोगों को कि फेम हासिल करने के लिए वो इस तरह की नीच हरकतें करते हैं? तो आप एज अ टिकटॉकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब मुझे शुरू में तो नहीं पता था कि वो ये सब फेम के लिए करी, उसके मुझे था कि उसके साथ गलत हुआ, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता जब सबको ही पता चलना शुरू हुआ कि उसने सिर्फ फेम के लिए किया है, लेकिन उसको भी आइडिया नहीं था कि वहाँ जाके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, तो उसका नतीजा तो फिर देख लिया। लड़कियों को अब खुद पता होना चाहिए कि कितना लिमिट में रहना है, किसके साथ कितना ज़्यादा फ्री होना, ये सबको पता होता है। आप जितना अगले को फ्री करोगे वो खुद ही फ्री हो जाएगा, तो आपको खुद को पता होना चाहिए। तो आप ज़रूर, कुछ लड़कियों ने टिकटॉक को ख़राब कर दिया अपनी जो है ना गलत चीज़ें ला के, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं, हर जगह अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं। आप कहीं पे भी चले जाएं, ज़रूरी नहीं टिकटॉक को आप ब्लेम करें, आप कहीं पे भी चले जाएं, आप किसी स्कूल में चले जाएं, यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वहाँ आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे बुरे भी मिलेंगे, जो अच्छी जगह दोस्त लेके जाएंगे, कुछ हैंगे आपको बुरी जगह लेके जाएंगे, आपको खुद चूज़ करना आपने क्या करना है। फ़वाद हैं फ़वाद हैं आज फ़वाद हैं तो मैं इतनी
फेमस भी हूँ, अच्छा नाम भी है, काम भी कर रही हूँ जिस तरह बाकी सब कर रहे हैं। तो फ़वाद भी हैं और नुकसान भी, ये मतलब कुछ हैं कि मतलब जब थोड़ा बंदा फेमस हो जाता है तो उसको ज़रा देख के चलना पड़ता है कि किसी से मिलने से पहले 10 दफ़ा सोचना पड़ता है, तो ये चीज़ें थोड़ी आ जाती हैं, लेकिन ये है कि मैनेज हो रहा है सब। कोई पसंद हो टिकटॉक? टिकटॉक पे पसंद बताना है? नहीं पसंद नहीं है, क्रश है मेरा। चले हमें बता दीजिए। बता दूँ? बता दे, नादिन आपको देख रही है। मैं खुद एक फ़िटनेस फील्ड से मेरा काम है, तो मुझे भी फ़िटनेस जो काम करते हैं वो बड़े पसंद होते हैं। तो टिकटॉक पे एक लड़का है जो वीडियोस बनाता है, ऐसे बहुत मोटिवेट करता है लोगों को, तो मैं मुझे वो बहुत पसंद है। बड़ा शर्मा शर्मा के बता रही हैं, देख लेंगे वो आपको, माशाल्लाह ये वायरल होने वाली चीज़ है, आपको देखेंगे। तो क्या मैसेज दे रही हैं? कोई मैसेज दे दें, कोई प्रपोज ही कर दें हमारे थ्रू? प्रपोज कैसे कर दूँ? प्रपोज कर दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया, फिर ये तो नहीं ना। मैं हम अपने भाई को कहते हैं इतनी माशाल्लाह अच्छी लड़की हैं, खूबसूरत भी हैं और अपना इतना अच्छा सेटअप चला रही हैं, क्यों रिजेक्ट करना है? अच्छा रहमा, आप ये बताइएगा कि थोड़ा सा रेस्टोरेंट पे दोबारा आते हैं, क्या मौजूद है अंदर? फास्ट फूड में पिज़्ज़ा मौजूद है, बर्गर्स मौजूद हैं और सैंडविचेस मौजूद हैं, तो और पास्ता, मतलब फास्ट फूड सब कुछ है फास्ट फूड में। डील वगैरह कोई डिस्काउंट? हाँ डिस्काउंट है ना, डील्स पे डिस्काउंट है, आप जब भी आएँ आपको डील्स मिलेंगी और बहुत अच्छी प्राइजेस पे रखा हुआ है कि एक स्टूडेंट जो है ना वो भी उसको ले सकता है कि आप इजीली खा सकते हैं, क्योंकि बाहर आप जितने भी जगहों पे चले जाएं आपको अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती। मतलब मैंने अपने फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी रखी हुई है कि जो एक दफ़ा ट्राई करे उसे पता, जो खाने वाले जो होते हैं उन्हें पता चल जाता है ये अच्छी है ये बुरी है, तो क्वालिटी बहुत अच्छी रखी हुई है, तो एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल ट्राई करें। रहमा हम देख रहे हैं आपके रेस्टोरेंट में कुछ छोटा सा इवेंट भी चल रहा है, तो इवेंट भी करवाती हैं? मैं सैटरडे संडे जैसे क्वाली हो गई, कोई सिंगिंग हो गई, कोई लाइव जैमिंग शैमिंग इस तरह की चीज़ें करवाती हूँ। आखिर में लड़कियाँ आपको देख रही हैं, कोई मैसेज दे दें, कोई पैगाम दे दें जो लड़कियाँ आपको देख के मोटिवेट हो जाएँ? मतलब मैं यही कहूँगी कि जो हाउस वाइफ हैं, जो अनमैरिड हैं, वो आज के दौर में खुद मेहनत करें और ख़ुद कमाएं और ख़ुद आगे जाएं अच्छे तरीके से। ज़रूरी नहीं कोई गलत काम करके आपने सब करना, आप घर बैठ के भी कमा सकते हैं, आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि सब काम करें ताकि आप किसी के सामने ये ना करें, आप खुद कमाएं और खुद जितना आप खुद कमाएंगे आप खुद अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ खरीद सकते हैं, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लगता, मैंने बहुत छोटी एज में अपनी फैमिली से मांगना छोड़ दिया था, मतलब मैंने आज खुद मेहनत की और सब मेहनत करके ही आगे आ रही हूँ। शुरू में तो मुश्किल आती हैं, उससे डिसअपॉइंट हो जाता बंदा, उस फेज़ में क्या करना चाहिए? उस फेज़ में बहुत जगह पे मैं हुई, बहुत जगह लोगों ने मेरे साथ मतलब किए, मेरे साथ फ्रॉड किए, लेकिन ये है कि आप इसी तरह सीखते हैं, एक्सपीरियंस ऐसे ही होता है, तो आगे भी जैसे जैसे मेरा टाइम गुजरेगा एक्सपीरियंस होते जाएंगे, तो ऐसे ही ठोकरें खा खा के बंदा सीखता है। इंसान तजर्बे से सीखता है, ठोकरें खा के सीखता है। क्रश तो बता दें। क्रश मेरा वासिक था। वाह जी वाह, भाई का नाम बता ही दिया है जनाब, वो देख रहे हो तो ज़रूर रابطہ कर लें आप जी प्लीज़। चलें जी ज़रूर रابطہ करें, बड़ा अच्छा लगा रहमा से मिलके। इनका रेस्टोरेंट की फुटेजेस तमाम आपको हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी, ज़रूर विज़िट करें और हमारे थ्रू अगर कोई आ जाए तो उसको प्लीज़ डिस्काउंट दे दीजिएगा। और उनकी जो स्टोरी थी वो एक मोटिवेशन स्टोरी थी तमाम देखने वाली लड़कियों के लिए। तो आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान फरहान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। नासिर।